तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता करारे बहुत ही क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी। ये आप होली पे बनाएं या फिर जब भी आपका थोड़ा बहुत चटपटा सा कुछ खाने का मन कर रहा हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको बनाना शुरू करते हैं। उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आपकी आज की जो रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें लेना है 2 कप सूजी। तो यहाँ मेरे पास जो है थोड़ी मोटी वाली सूजी हो, अगर आपके पास पतली सूजी हो तो आप वो भी ले सकते हैं। अब इस सूजी को हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करेंगे और अब इसके बाद इसको अच्छे से हम पीस लेंगे। तो जितना बारीक हम इसको पीसेंगे उतने ही हमारे स्नैक्स क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार होंगे। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। इस स्टेज पे इसको हमें छानने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ मसाले और साथ में यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून गेहूँ का आटा। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं या इसकी जगह आप 1 टेबल स्पून बेसन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम 1/2 टीस्पून डालेंगे नमक। तो नमक को फ्रेंड्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं या फिर आप इस सादे नमक की जगह यहाँ सेंधा नमक या फिर काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। अब 1 टीस्पून डालेंगे इसमें हम दरदरी कुटी हुई काली मिर्च, आप इसकी जगह लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच डालेंगे अजवाइन। तो अजवाइन को इस तरीके से हम मसल कर डालेंगे और अब साथ में इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच पुदीना का पाउडर, ये है तो आप इसे डालें फ्रेंड्स, इससे जो हमारे स्नैक्स का टेस्ट है ना वो बहुत ही बढ़िया आएगा। अगर नहीं है तो आप इसकी जगह धनिया का पाउडर डाल सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो इसकी जगह जो हमारी धनिया की पत्ती होती है ना उनको बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे करीबन 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ मैंने तेल को हल्का सा गर्म कर लिया है। तो फ्रेंड्स हल्का सा अगर हम गर्म तेल इसके अंदर डालेंगे तो जो हमारे ये स्नैक्स हैं और भी ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो बस एक बार मसल लेंगे ताकि जो हमने ऑयल इसके अंदर डाला है वो हमारी सूजी के दाने दाने को अच्छे से कोट कर जाए। ऐसा करने से जो हमारी ये स्नैक्स हैं बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। अब इसके बाद इसको हम इस तरीके से मुट्ठी बांध के देखेंगे। अभी आप देख सकते हैं ना इसकी हल्की सी मुट्ठी बन रही है, यानी हमने जो मोइन इसके अंदर डाला वो बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा इसमें ऑयल वगैरह हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि ऐसा नहीं मुट्ठी नहीं बन रही है तो आप यहाँ थोड़ा सा ऑयल और डाल दें। तो बस अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक मीडियम सॉफ्ट आटा तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टाइट आटा नहीं बनाना है क्योंकि ये सूजी है, तो जब इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखेंगे तो ये पानी को सोक करेगी जिससे ये आटा और भी ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो इसलिए इसको हमें थोड़ा सा सॉफ्ट ही गूंथना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको हल्का सा सॉफ्ट गूंथ लिया है। अब इसके बाद इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद एक बार फिर से हम इसको थोड़ा सा गूंथ लेंगे। अगर इसको गूंथने में थोड़ी दिक्कत आए तो आप चाहे तो अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लें या फिर थोड़ा सा पानी लगा लें ताकि इसको नीड करना हमें थोड़ा आसान हो जाए। तो चलिए मैंने इसे अच्छे से गूंथ लिया है। अब इसके बाद हम थोड़ी सी मोटा पोर्शन इस आटे में से तोड़ेंगे और इसकी एक गोल लोई तैयार करेंगे इस तरीके से। अब इस लोई को हम चकले पे या फिर चॉपिंग बोर्ड पर रखें और इसे अच्छे से हम बेल लेंगे, जैसे हम रोटी बेलते हैं ना बस इसी तरीके से हमें इसे बेलना है। अगर बेलते समय इसको थोड़ी सी चकले पे या फिर चॉपिंग बोर्ड पे चिपकता है तो आप थोड़ा सा ऑयल या फिर आटा इस पर डस्ट कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है और इसकी जो मोटाई है वो हमें इतनी रखनी है। ये बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, इतनी मोटाई हमें अपने स्नैक्स के लिए चाहिए। इससे जो हमारे स्नैक्स हैं बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो अब इसके बाद हम इस तरीके से कोई भी एक ढक्कन लेंगे या फिर आप कोई भी इस तरीके के कटर ले सकते हैं, फिर कोई शार्प किनारे वाली आप कटोरी ले लें या फिर आप कोई भी बोतल का ढक्कन ले सकते हैं। मैंने यहाँ इस तरीके से एक डिब्बी का ढक्कन लिया है। तो अब इस ढक्कन को हम रोटी पे इस तरीके से रखेंगे, आधा हम रोटी पर रखेंगे और आधा बाहर की तरफ रखेंगे, फिर हल्का सा इस पर प्रेशर देंगे तो उसकी एक बहुत ही सुंदर मून टाइप की जो है शेप निकल कर आएगी। इसको हटाएंगे, फिर से थोड़ा सा हम आगे की तरफ ढक्कन को रखेंगे तो आधा जो ढक्कन है वो आटे पर रहना चाहिए और आधा ढक्कन जो है वो बाहर रहना चाहिए। फिर से उसको थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो एक बहुत ही प्यारी सी फिर से हमें मून की शेप मिलेगी। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं मैंने कई यहाँ मून शेप के स्नैक्स तैयार कर लिए हैं। तो ये जो स्नैक है ना फ्रेंड्स हमें इसी तरीके से सारे तैयार करने हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसी तरीके से सारे आटे के जो है मून टाइप की शेप बना ली है। तो फ्रेंड्स अभी आपको देखकर लग रहा होगा कि मैंने सारे ऐसे ही डाल दिए, सब एक दूसरे के साथ चिपक तो नहीं जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब इन नमक पारों को हमें फ्राई करना है। तो उसके लिए यहाँ मैंने पहले से ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पीस इसके अंदर डालेंगे।
तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ये पीस डाला कुछ सेकंड भी नहीं हुए और ये एकदम से तेल के ऊपर आ गया है, यानी हमारा जो तेल है ना स्टेज पे बिल्कुल अच्छा गर्म है। तो इस स्नैक्स के लिए हमें बिल्कुल अच्छा तेल गर्म करना है, ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल धुआं निकल रहा है, बट अच्छा तेल गर्म होना चाहिए। अब इसमें हम सारे हमारे नमक पारे डाल देंगे, तो जितने भी कढ़ाई के अंदर आते हैं उतने इसके अंदर हम डालेंगे। और डालने के बाद जब ये हमारे नमक पारे एकदम से ऑयल के ऊपर आ जाए उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमे पे रखेंगे। तो फ्रेंड्स आपने नोटिस भी किया होगा कि जैसे ही हमने नमक पारे इसके अंदर डाले थे वो सब एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे, पर जैसे ही वो तेल में फ्राई हुए तो सारे जो नमक पारे एकदम से बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। तो बस अभी नमक पारों को हम हल्के सा उलटते पलटते हुए एक हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर कुछ भी आपको कमी लगती है वीडियो में प्लीज़ आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इनका हल्का सा गुलाबी कलर हो गया है, और जब हमने नमक पारे ऑयल के अंदर स्टार्टिंग में डाले थे तो इसके जो साइड में मोटे मोटे बबल्स आपको नज़र आ रहे थे, और अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे छोटे बबल्स जो है इसके पास में है। ये इंडिकेशन है कि जो हमारे नमक पारे वो बहुत अच्छे से अंदर तक सिक चुके हैं। इससे ज़्यादा अब इसको हमें फ्राई नहीं करना है, इन्हें हम निकाल लेंगे। और दूसरे बैच को फ्राई करने से पहले हमें फिर से तेल को एक बार अच्छे से गर्म कर लेना है। जब तेल बढ़िया से गर्म हो जाए उसके बाद हम सारे नमक पारे इसके अंदर डाल देंगे, और जब ये नमक पारे तेल पर इस तरीके से तैरने लगे फिर गैस की फ्लेम को हम धीमा कर देंगे, और धीमी आंच पर ही इसे हम उलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स मैंने इसी तरीके से सारे जो नमक पारे इनको फ्राई कर लिया है, और ये कितने ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बने हैं एक पीस मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए है ना कितना ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बना है, और मैं इसको बिल्कुल अच्छे से आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। बिल्कुल भी मेरे हाथों में ऑयल नहीं लग रहा है, इन्होंने बिल्कुल भी ऑयल को सोख नहीं किया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जब आप नमक पारे बनाएंगे ना तो आपके नमक पारे एकदम परफेक्ट वाले बनकर तैयार होंगे, बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन्हें, और अगर आपके नमक पारे सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।